गाली आए तो एकड़ी गाल क्लियर थे पई, पेरी भी क्लियर हुई, चिट्ठी हुई, वाजे हुई, मजीद वाजे थी वे पी, वाजे तरीन थी वे पी, जहांगीर तरीन वागू त नंबर गेम में खान साहब गेम लूज कर ठीक है। ये गाल पान सब महीनों डेढ़ का कंदी हाँ आस्ते आस्ते मानू जो ख्याल होना हुकूमत है उनका कौन टुटंदा मानू एस्टैब्लिशमेंट जाहिरी तरह न्यूट्रल न्यूट्रल जो मतलब एंटी इमरान छक्कर खान साहब की हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट साल दी रही है। सो यानी कदें कदें यो थी तो तुम को इतिहादी न्यूट्रल थी वे तब तो तक नुकसान ही थी यह भी गाल वाजे यह गाल डी चौक से सही ओआईसी की जिक्र किया सही इन कर ओआईसी खैर से टेवी तारीख से इशू खत्म थी वो बवी से इंदा टेवी से शाम जो हलया वा इन कर सत्तावी से जलसो रखो अठावी वो थी तो एक काफ़ी जेस तीन जैके जैके जिथे जिथे वे फैसला करना है तुम चोता अदलिया अगर पान मुरादों नोटिस वी छी तो चवी हि जलसो न खत्म थी वही गाल विच में टकराव की सूरत हाल ही खत्म थी वही ना इमरान खान साहब या शेख रशीद साहब रेंजर्स या पुलिस की ताकत से पार्लियामेंट के सील ना कर सकन आउं ना समझा नामुमकिन नामुमकिन का शे ना बट न वो ऑप्शन ना है। तो अगर अदालत सगोरी इन्हें जलसो ही करण का मना कर छे तो भी गाल है लेकिन कड़े पॉलिटिकल ग्राउंड से करे भाई सियासी पार्टी आ वो जलसो करे पे ये ताजो बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी जो करे वो आए नेक्स्ट डे इजलास हुए जलसो ना ये सिक्योरिटी इशू आ अगर पा स्ट्रिक्टली लीगल टर्म्स में गाल इनकी देखो ना अदलिया तो वही इनका सियासी तजिया तो नहीं कर सके अदलिया चवी भाई ठीक है इंतजामिया चाहे थी अमन अमान है ठीक है अदलिया की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जलसो डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो कानूनी तरह लेकिन बहरहाल अदलिया की मर्जी आ लेकिन सो वह अगर कर छी तो टकराव की सूरत खत्म थी वही लेकिन खान साहब जो है अगर जलसो करे तो बे ढी मू उ रोकण में कामयाब थी वे तो टी हजार पजार चाली हजार मानू बे ढी ते अगर उतरे हों तो पार्लियामेंट में अचण वन दुख्यो थी पवो तो हाँ ऐसा यो है अपोजिशन जॉइंट अपोजिशन फैसलो करे थी तो हू अठावी तारीख का बी पैरी टे ढी पैरी या तकड़ो हू अग में ही प्रेस के सामू कार्ड खोले छे जी हाँ शायद आखिरी ढी ते सत्तावी ही जलसो कन पे तो चौवी तारीख पंजी तारीख ते किथे ही प्रेस में मानू शो करे छे।